दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर बुजुर्ग का शव सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने रास्ता बना दिया। तकरीबन दो घंटे तक अंतिम यात्रा रोककर ग्रामीणों ने रास्ता बनाया। कनुजा पंचायत के हलाई की भागल में 100 साल के वृद्ध का निधन हो गया था। मोक्ष धाम तक पहुंचाने के लिए अंतिम यात्रा में शामिल ग्रामीणों ने पहले रास्ता बनाया। तकरीबन दो घंटे तक रोड पर ही लाश पड़ी रही। गांव में किसी के भी निधन होने पर यही हालात बनते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? जब किसी का निधन होता है, शव का अंतिम संस्कार करना होता है, तो सबसे पहले ग्रामीणों को मशक्कत करनी पड़ती है और शव को अंतिम दाह के लिए पहुंचाने से पहले रास्ता बनाना पड़ता है। रास्ता बनाने के लिए ग्रामीणों ने कई बार सरपंच और सचिव को पत्र भी लिखा है। सचिव को पत्र लिखकर कई बार रिक्वेस्ट किया गया है, बावजूद इसके यहाँ पर कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा। सिर्फ 200 मीटर का रास्ता वहां पर पंचायत नहीं बना पा रही। सोचिए जरा, पंचायत की कितनी बड़ी लापरवाही है, जबकि 1 करोड़ का बजट यहां पर पंचायत के पास है, इसके बावजूद जो दिक्कतें हो रही हैं ग्रामीणों को, उनका समाधान नहीं हो पा रहा। सरपंच और सचिव की उदासीनता ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। सहयोगी अल्केश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्केश, बड़ी लापरवाही पंचायत और प्रशासन की, ये तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े कर रही है। शव को अंतिम दाह तक पहुंचाने के लिए 2 घंटे तक रास्ता बनाना पड़ रहा है ग्रामीणों को। जी प्रियंका, आपका कहना एकदम लाजमी है। अगर आज के 21वीं सदी के युग में अगर किसी शव को अंतिम यात्रा पर ले जाया जा रहा हो, रास्ते में उस शव को सड़क पर रखकर अगर 2 घंटे तक सिर्फ मोक्ष धाम तक जाने के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा ग्रामीणों को, तो इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर कोई दूसरी नहीं हो सकती। वो बड़ी बुरे हालात है। कनुजा पंचायत है, कनुजा पंचायत की जो हलई की भागल है, यहाँ पर जो 100 साल के करीब 100 साल की उम्र के जो डूल सिंह थे वृद्ध, उनकी मौत हो गई थी। मौत और ग्रामीण अंतिम यात्रा लेकर जब रवाना हुए तो मोक्ष धाम तक पहुंचने के लिए, क्योंकि कच्चा रास्ता है और कच्चे रास्ते पर झाड़ियां और अन्य पेड़ उग जाते हैं, और ऐसे में उस शव को सड़क पर रखकर करीब 2 घंटे लगे ग्रामीणों को उस रास्ता बनाने में। ग्रामीणों ने झाड़िया और वो जो कंटीली झाड़िया और वहां से पत्थर साफ करके रास्ता बनाया, उसके बाद में शव को ले जाकर बाद में अंतिम मोक्ष धाम तक पहुंचाया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस बारे में जब हमने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार सरपंच और सचिव को कई बार इस बारे में लिखा, पत्र भी लिखा और उन्हें बताया भी था कि सिर्फ 200 मीटर का जो टुकड़ा है, एक उस टुकड़े के ऊपर एक सड़क बना दी जाए तो सड़क बनाने से ग्रामीणों को जो अपनी अंतिम यात्रा तक पहुंचने में आसानी होगी। लेकिन सरपंच और सचिव की उदासीनता के कारण और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है उनकी लापरवाही के कारण तो ग्रामीण वहां पर अभी तक ग्रामीणों की जो मांग, एक छोटी सी मांग है 200 मीटर, सिर्फ 200 मीटर सड़क की, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। और हमेशा का यही तस्वीर देखने को मिलती है, जब भी गांव में किसी की डेथ हो जाती है और जब मोक्ष धाम तक पहुंचने के लिए ग्रामीण रवाना होते हैं तो उन्हें पहले वो रास्ता सही साफ करना पड़ता है और फिर बाद में जो अर्थी को लेकर वो आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सोचने वाली ये बात कम बड़ी बात है कि जब पंचायत के पास बजट है, पंचायत सरपंच और सचिव क्या कह रही है पंचायत? अल्केश, ये तस्वीरें वाकई बेहद शर्मनाक हैं। हम दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर शव को सड़क पर रखना पड़ता है 2 घंटे तक, ताकि वहां पर रास्ता बनाया जा सके मोक्ष धाम पहुंचने के लिए। पंचायत के पास बजट है, बार बार पत्र भी लिखा जा रहा है, रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है। वीडियो जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मांगीलाल जी। मांगीलाल जी, ये तस्वीरें देख रहे होंगे आप, शव को सड़क पर रखना पड़ रहा है, 2 घंटे तक रास्ता बनाना पड़ रहा है, उसके बाद वो आगे बढ़। 200 मीटर सड़क की तो बात है, कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, आखिर क्यों नहीं समाधान हो रहा? आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? वीडियो साहब शायद जवाब देने से बच रहे हैं, क्योंकि सवाल तो खड़े होंगे और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं। सिर्फ 200 मीटर सड़क की बात है, सिर्फ 200 मीटर। कई बार पत्र लिखा गया है, कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई गई है, इसके बावजूद प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। अल्केश, एकदम सही सवाल है प्रियंका, और बिल्कुल सटीक बेटा है। प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। कुंभलगढ़ क्षेत्र के अगर हालातों की बात की जाए तो वहां के लोग आज भी आदिम जीवन जीने को मजबूर है।
इंसान कोई भी हिंदू संस्कृति में एक इंसान की मौत और उसकी अंतिम यात्रा को, अंतिम सफर को सबसे पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि जब इंसान अपनी देह त्याग देता है तो उसे अंतिम सफर का उसका बिल्कुल सुगम हो, जिससे कि ये किसी को परेशानी ना हो। ग्राम पंचायत सरपंच से आपकी बात हो पाई? क्या कह रहे हैं गाँव के मुखिया? उन्हें ये तस्वीरें नहीं दिख रही है क्या? सरपंच को गांव की ये तस्वीरें, हर जब गांव में किसी की मौत होती है तो सरपंच को आए दिन ये तस्वीरें नजर आती है, लेकिन एक बहानेबाजी और काम करने की उदासीनता के कारण सिर्फ 200 मीटर का जो ये एक सड़क का टुकड़ा है जिस पर वो अपनी सड़क नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि बहाने तो, क्योंकि काम करने वालों के लिए किसी भी चीज की कोई रोक टोक नहीं होती है और वो जो चाहे जब कर लेते हैं, लेकिन बहाने बनाने के लिए 50 बहाने तैयार हो जाते हैं। और बड़ी बात यह कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में बोलने केंद्र के सरपंच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जैन जी, ये तस्वीरें तो शर्मनाक है ना, 200 मीटर सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं आप लोग, कई बार पत्र लिखा गया, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर आप? हाँ नमस्कार, राकेश जैन सरपंच ग्राम पंचायत पनुजा बात कर रहा हूँ। हाँ जी मैडम, पहला विषय ये है कि जो ये शमशान घाट है, मेरी आवाज आ रही है आपको मैडम? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ठीक है, ये जो शमशान घाट है, ये पहली बात तो निजी खातेदारी के पास से होकर गुजर रहा है, एक बात उसका जो रास्ता है वो। दूसरा विषय ये है कि ये जो शमशान है, ये राजस्व रिकॉर्ड में शमशान के नाम पर दर्ज नहीं है। ठीक है, अब बात नंबर तीन, फिर भी हमने अन्य प्रकार से इसको प्रस्ताव में लिया है और इसकी सुरक्षा दीवार और इसके सीसी रोड का हमने प्रस्ताव ले लिया है, परंतु आचार संहिता होने के कारण हम उस काम को शुरू नहीं कर पाए हैं। आचार संहिता समाप्त होते ही हम प्राथमिक रूप से इस कार्य को प्रारंभ करने वाले हैं। राकेश जैन जी, आचार संहिता तो अब लगी है ना, जब इलेक्शन का डेट अनाउंस हुआ है, ये समस्या तो लंबे समय से चली आ रही है, तो इसका निस्तारण कम से कम आपको सोचना चाहिए। और ये तस्वीरें, आपकी बात बराबर है, पर हम ग्रामीण क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ काम निजी खातेदारी में यदि करने होते हैं तो उसके लिए विशेष समय जिसकी खातेदारी की जमीनें होती हैं उनके पास से हमें उनकी पूरी तरह से उनकी परमिशन की आवश्यकता तो लगती है। क्या आपने इसे लेकर पहल शुरू की है? हाँ कर दी है मैडम, बिल्कुल। और हाँ, उसके लिए हमारी सहमति भी बनी है, इसीलिए तो हमने फिर प्रस्ताव लिया है और हम बहुत ही जल्द इसको आचार संहिता समाप्त होने के बाद हम इस कार्य को प्रारंभ करने वाले हैं। तो कितना वक्त लगेगा, कब तक ग्रामीणों की समस्या का समाधान होगा सरपंच जी? हाँ, इस यह आचार संहिता समाप्त होने के बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा, प्रस्ताव निकल चुका है। और इसके अलावा वहाँ के विद्यालय, वहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस सारी समस्याओं पर जितने भी प्रस्ताव है सब पे काम पूर्ण हो चुके हैं, जो आप वहाँ पर ग्रामीणों से पूछ सकते हैं। शमशान घाट का विषय ये मैं मान्य कर रहा हूँ, परंतु कुछ टेक्निकल रीजन से, टेक्निकल कारण से वो काम हो नहीं, ग्रामीणों को परेशानी भी तो हो रही है ना राकेश जी? आपको वो चुन कर ले आए हैं, आप सरपंच है, गांव के मुखिया हैं। चलिए, न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि उनके समस्याओं का समाधान जरूर करिएगा और कोशिश करिएगा कि जल्द से जल्द समाधान हो सके। बहुत शुक्रिया आपका राकेश जैन जी, न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए।